जो टोटल वेट है केक का वो कितना है 2 एंड 1.2 केजी, उसने खा लिया कितना है 2.3 टोटल शी ए, ठीक है ना, टोटल शी ए, उसने टोटल कितना है केक खाया है। हम सिंपल तरीके से कर लिया इसको, हमने चेंज कर दिया, मैं जहाँ पे चेंज कर देता हूँ 5.2 केजी, 5.2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो उसने केक कितना खाया 5.3 केजी, उसने इतना केक खा लिया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 1/2/3 केजी, 5.3, तो उसको चेंज कर लिया 1/2/3 केजी, तो हमारा आंसर आ रहा है। आपने इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7 में क्या रहेगा बच्चे, 3/8 मल्टीप्लाई बॉक्स, और बॉक्स इसको मैंने बोला है कि जहां पर वन आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा चाहिए जहां पे वन आना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7, तो जहां पे मल्टीप्लाई, बच्चे जब भी मल्टीप्लाई में आपको वन आ जाए, जहां पे प्रूव करने के लिए वन आ जाए, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल होता क्या है, 3/8 है तो उसको उल्टा करना होता है, 8/3 करना होता है। यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन रहेगी, 8/3। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जहाँ पे 3/8, 8/3, जहाँ पे इसको कैंसिल किया 8 को 8 से 3 को 3 से, जहाँ भी बन बचा, जहाँ भी बन, 1 को 1 से किया 1/1, आपका आंसर तो बन ही आ रहा है। हमारे को क्या चाहिए था, बनी चाहिए था तो बना गया। तो उसके बाद जैसे 9 मल्टीप्लाई 2 बॉक्स दे रखी है, सर 9 के नीचे तो कुछ दिया ही नहीं, आप पूछेंगे सर 9 के नीचे तो कुछ दिया ही नहीं, तो हम इसका उल्टा कैसे करेंगे। जब कोई भी चीज ना गिवन हो डिनोमिनेटर में, तो आप 1 लिख सकते हैं अपनी ओर से 1 लिख सकते हो। 9/1 को रेसिप्रोकल किया तो 1/9, तो जहां पे 1/9 तो आपका बॉक्स में आएगा, सॉरी बॉक्स में भी जहां पे, तो इसके आप कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर तो है 1/9। जहां पे 1 लेके आना है सर, समझ में, एक्सरसाइज नंबर 7 है जी आपके बच्चे। उसके बाद फाइंड रेसिप्रोकल, जो सेकंड पार्ट है इसका, आपने रेसिप्रोकल को फाइंड करना है, फाइंड दी रेसिप्रोकल, फाइंड दी रेसिप्रोकल, 6 गिवन है तो उसका उल्टा क्या आएगा 1/6, जैसे 2/5 गिवन है इसका उल्टा क्या आ रहा है 5/2, और 11/3 दे रखा है उसका उल्टा करके क्या आ रहा है 3/11। बस जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपने उसको उल्टा कर देना है, इस तरीके से आपका जो है वो सम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से जो सम करनी है वो सबसे इजी तरीका ये रहेगा, फाइंड दी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा करके लिखना, 6 का जो आता है 1.6, 2.5 का जो आता है वो 5.2 आ रहा है, और जो 11.3 है उसका 3.11। इसी तरीके से आप सारे के सारे सम कर सकते हैं। रेसिप्रोकल, फाइंड का रेसिप्रोकल आ गया, तो आपने इसको बस उल्टा करके लिखना है। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, वो मेन सम शुरू होते हैं, वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज 8 नंबर में क्या होता है, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज नंबर 8 में है, डिवाइड 6/8, 6/8, तो 6 को डिवाइड कैसे करना होता है 8 से, तो इसके बारे में आपको बताता हूं मैं अभी।
6 by 8 का मतलब होता है डिवाइड 8 upon 1 डिवाइड तो 6 upon 1 डिवाइड को किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। बात ध्यान से सुन लो मेरी, डिवाइड को किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और 1 upon 1 का क्या आएगा, वन अपॉन एट। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 6, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। इस तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं। बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, ध्यान से देख लो आगे 6, 7, 8, 9, 10 जब तक आप चलोगे पढ़ोगे मैथ को तब तक ये काम आने वाली चीज है, ठीक है ना, ध्यान से कर लो इसको। उसके बाद सेकेंड सम जो आ रहा है आपका वो है, जैसे मैं करवाता हूँ कोई 48 by 2 upon 5 48 upon 1 का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको किया 12 upon 5 मल्टीप्लाई करके 5 10 और 2 12 upon 5 48 upon 1 डिवाइड को किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इसका क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के बाद 5 upon 12 तो आप इसके साथ कनेक्ट कर लो तो आपका आएगा 240 upon 12 तो 12 बन जाए 24 पीछे 0 लग जाएगी तो आपका आंसर आएगा 20 जो आपका वो आंसर आ रहा है। आपने इस तरीके से भी इसको करना है। उसकी ओर बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ये सब है 8 upon 5 divide 2 upon 5 42 upon 5 इसको किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। कुछ बच्चे गलती का यहाँ पे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट टर्म का आपने कोई भी रेसिप्रोकल नहीं करना, सेकंड वाले टर्म में जो डिवाइड के बाद आ रही है उसका ही आपने रेसिप्रोकल करना है। तो आप लोग का इस प्रकार इस तरह से आ गया, 5 को 5 से क्या किया, कैंसल, जहाँ पे 1 जहाँ पे 1 42 को 1 से मल्टीप्लाई किया 42 और 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12। देखो अब दोनों पीछे 2 आ रहा है, इसकी कटिंग भी हो सकती है, जहाँ पे 6 जहाँ पे 21 और दोनों किसके टेबल में आ रही है, 3 के टेबल में आ रही है, 3 का 6 3 7 जा 21 7.2 आपका आंसर। आप इस तरीके से इसको करना है आप लोगों ने।